कृपया काम चोरी की लत में पड़ चुके लोग ये वीडियो ना देखें। बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है, कला का सागर कैसा होता है, ऑडिशन स्कूल में आज इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, ऑडिशन स्कूल से हम बोल रहे हैं चंदू, और चंदू करता है आप सबको प्रणाम। आज चंदू टॉकीज में हम दिखाने जा रहे हैं सुपरहिट पिक्चर पीयूष मिश्रा। 13 जनवरी को ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे प्रियकांत शर्मा को उनकी बुआ ने गोद लिया, तो ये प्रियकांत मिश्रा हो गए। इनके विद्रोही स्वभाव की एक झलक तब मिलती है जब अपना नाम बदलकर ये पीयूष मिश्रा रख लेते हैं। पीयूष का कला के प्रति झुकाव अपने बचपन से ही रहा है। कला में बढ़ती उनकी भागीदारी के चलते वो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट रहे। एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या पेंटिंग, स्कूल के दिनों से ही पीयूष अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे हैं। 8वीं क्लास में पीयूष ने अपनी पहली कविता लिख डाली थी और 10वीं में आने तक वो थिएटर में रमने लगे। इसके बाद उन्होंने कई नाटकों में अपने धारदार अभिनय से वाह वाही बटोरनी शुरू कर दी। ग्वालियर में अपने हुनर का दबदबा हासिल करने के बाद पीयूष यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे और राह बनी दिल्ली स्थित NSD। इस तरह सफलतापूर्वक प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद साल 1983 में पीयूष का दाखिला NSD में हो गया। यहाँ हैमलेट नाटक में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें NSD में पढ़ाई के दौरान ही स्टार बना दिया था। बहुमुखी कलाकार पीयूष की ख्याति हर तरफ फैल गई। NSD से निकलने के बाद पीयूष ने माया नगरी मुंबई की ओर रुख किया, लेकिन सफलता ना मिल पाने के कारण वो जल्द ही दिल्ली लौट आए और मशहूर थिएटर पर्सनालिटी NK शर्मा जी के Act 1 नामक थिएटर ग्रुप में जुड़ गए, जहां मनोज वाजपेयी और आशीष विद्यार्थी जैसे अभिनेता भी उनके साथ ही थे। रंगमंच की दुनिया में पूरी तरह डूब चुके पीयूष एक पूर्ण बहुमुखी रंगकर्मी के रूप में अभिनय के साथ साथ लेखन, गायन और निर्देशन जैसी हर विधा में अपनी मजबूत पकड़ का नजारा पेश किए जा रहे थे। यहाँ उनके हुनर की ख्याति अपने चरम को छू रही थी, लेकिन पीयूष को अभी बहुत आगे जाना था। इसके बाद पीयूष ने अपने सोलो परफॉर्मेंस करने शुरू किए। रंगमंच को एक लंबा समय देने वाले पीयूष को इस दौरान कुछ टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स भी करने का मौका मिला। उनकी डेब्यू फिल्म बनी साल 1998 में आई फिल्म दिल से। इस फिल्म में उन्होंने एक CBI ऑफिसर का किरदार अदा किया। इसके बाद तो उन्होंने पूरी तरह से मुंबई जाने का फैसला किया और इस बार राह बनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के इस फिल्म के संवाद लिखने वाले पीयूष मिश्रा साल 2002 में हमेशा के लिए मुंबई आ गए। इस बार मुंबई में पीयूष ने अपनी शुरुआत बतौर गीतकार, संगीतकार और लेखन से की। पर्दे के पीछे स्थापित होने के बाद अब बारी अभिनय की थी और जल्द ही फिल्म मकबूल में उन्हें एक अच्छा किरदार जीने का मौका मिला। लेकिन असली सफलता उन्हें फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मिल पाई। यहां से शुरू हुआ सफलता का दौर आज तक बदस्तूर जारी है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के चलते पीयूष मिश्रा की गिनती आज भारतीय सिने जगत में चोटी के अभिनेताओं में होती है। उम्मीद है शानदार अभिनेता, गायक, गीतकार, संगीतकार, लेखक और प्रसिद्ध रंगकर्मी पीयूष मिश्रा की सफलता की कहानी मेहनत और जुनून की महत्ता की ओर प्रकाश डालने में सफल हो पाएगी। आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ऑडिशन स्कूल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना हमेशा के लिए फ्री कर दिया गया है। आप चाहें तो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और फील फ्री शेयर कर सकते हैं। वीडियो या हमारे प्रति अपने सुविचार आप कभी भी नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। हमें अपना इतना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चंदू जल्द हाजिर होगा एक नई सुपरहिट पिक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।